मैं जैसे जैसे बोलती हूँ एक बार वैसा कर लो, फिर अपने मन की बात करना। ओके आंटी, मैं फ़ोन करके देख लेती हूँ। हेलो, हाँ सपन, यहाँ पर ना पुलिस आ गई है और मुझे ना बहुत डर लग रहा है, तुम आ जाओ जल्दी से। क्या, पुलिस आ गई है? हाँ यहाँ पर ना पुलिस आ गई है और मुझे ना बहुत डर लग रहा है। मैं नहीं आ सकता इधर। अरे आंटी, इसने तो मेरा फोन ही काट दिया। बेटा इतना क्यों घबराइए, क्या हुआ? अरे आंटी, उसने ना मेरा फोन ही काट दिया और मुझसे बोला आज के बाद कभी फोन मत करना। बेटा ये अच्छी बात है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा है तुम्हारा समय पे तुमको मालूम पड़ गया। अरे बेटा ये तो बहुत अच्छा रहा, तुमको समय पे मालूम पड़ गया, तुम्हारी आंखें खुल गई। माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं हो सकता, और अगर मान लो आज उसके साथ आप चली जाती, कुछ ऊंच नीच हो जाती, तो आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते और तुम्हारे माँ बाप का क्या हालत होती, ये सोचा। थैंक यू सो मच आंटी, अगर आप नहीं होती तो आज पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। आपने ना मेरी आंखें खोल दी और मुझे ये चीज़ पता चल गई, माँ बाप से बढ़कर और कोई भी नहीं होता। आज तो निधि को मैंने अपनी समझदारी और सूझबूझ से बचा लिया है, उसका जीवन बर्बाद होने से बच गया है, लेकिन आजकल कितनी ही बच्चियाँ सोशल मीडिया के चक्कर में पड़कर जो है अपना जीवन बर्बाद कर रही हैं। और आपके माता पिता से ज़्यादा आपको प्यार कोई नहीं कर सकता है, आपने माता पिता की जो है वो कद्र करनी चाहिए। कोई भी बात है तो अपने माता पिता को बताकर ही इस तरह के कदम उठाना चाहिए, तभी आप आगे बढ़